मॉर्निंग क्लास. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट एल सेक्शन सेंट्रोइड कैलकुलेशन. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि तीन या चार एलिमेंट से मिलकर एक कोई परफेक्ट एरिया बना है जिसकी हमको सेंट्रोइड फाइंड आउट करनी है. और सेंट्रोइड क्या होती है ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि सेंट्रोइड का मतलब है कि हमारे किसी भी अगर पर्टिकुलर सेक्शन दिया है तो उस सेक्शन का टोटल एरिया किस एक ऐसे पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ दैट एरिया. तो सेंट्रोइड हमें फाइंड आउट करनी है. ये जो गिवन फिगर है इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग जो हमारे सिमेट्रिकल सेक्शंस थे जैसे कि आई सेक्शन, चैनल सेक्शन जो कि एक्स या वाई एक्सिस किसी भी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थे, तो उन केस में हम सेंट्रोइड फाइंड आउट कर चुके हैं. आज यहाँ पर जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो किसी भी एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है. इट मीन्स हमको यहाँ पर एक्स बार और वाई बार दोनों कैलकुलेट करनी पड़ेगी. मतलब एक्स डायरेक्शन की सेंट्रोइड और वाई डायरेक्शन की सेंट्रोइड हमें कोऑर्डिनेट्स देगी उस सेंटर पॉइंट के, जो कि ऐसा पॉइंट है जहाँ पर टोटल एरिया जो है इस पर्टिकुलर पूरे सेक्शन का जो कि तीन डायग्राम से मिलकर बना, आगे अपन देखेंगे उसका पर्टिकुलर एरिया किस एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है वो हमें सेंट्रोइड बताएगा. तो यहाँ पर हमें सेंट्रोइड कैलकुलेट करनी है इस स्ट्रक्चर की. ठीक है, तो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख लेते हैं हम. ये देखिए हमारे पास जो डायग्राम है इसमें आपको तीन फिगर हैं जो दिखाई दे रहे होंगे. फर्स्ट मैंने ये जो पूरा आपके पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको इस पूरे डायग्राम की सेंट्रोइड फाइंड आउट करनी है. सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए आप देख रहे होंगे कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये डॉटेड मैंने इसलिए किया है कि हम इसको अपना परफेक्ट एक सेमी सर्कल बनाएंगे और फिर इस पूरे एरिया में से अगर हम इस सेमी सर्कल के एरिया को डिडक्ट कर देंगे तो हमें इस पर्टिकुलर जो एरिया हमें अवेलेबल है उसकी सेंट्रोइड मिल जाएगी. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो एक्स बार का फॉर्मूला लिखा है, वैसे कैसा होता है अपना फॉर्मूला, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री. पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा ए वन हमने क्या लिया है, ये पूरा रेक्टेंगल जो है इसको मैंने फर्स्ट एरिया कंसिडर कर लिया है. सेकेंड एरिया मैंने किसको कंसिडर कर लिया, ये ट्राइंगल को कर लिया. और थर्ड जो है वो इस रेक्टेंगल में से अगर इस सेमी सर्कल को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये थर्ड एरिया आ जाएगा. तो इसी वजह से हमने क्या किया है, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू मतलब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, उसमें से हमने डिडक्ट कर दिया है किसके एरिया को, इस सेमी सर्कल के एरिया को. तो हमको एक्स बार और वाई बार मिलेगी. इस तरीके से हम एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट कर पाएंगे. तो इसके लिए मैंने डायग्राम को फर्स्ट ये जो रेक्टेंगल मैंने कट किया है जिसका की साइज जो है 25 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का है, तो इस रेक्टेंगल का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे. फिर सेकंड हमने किसको कंसीडर किया है, इस ट्राइंगल को, तो इस ट्राइंगल का एरिया कंसीडर करेंगे. फिर थर्ड हमने इस सेमी सर्कल को कंसीडर किया है तो सेमी सर्कल का इसमें से डिडक्ट करेंगे. तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करेंगे. इस फॉर्मूले में आपको एरिया पता करना है और एक्स बार पता करनी है, एक्स वन पता करनी है. इसी तरह इस फॉर्मूले में आपको एरिया पता करना है और वाई वन पता करनी है. तो हम देख लेते हैं हमने जो तीन एरिया डिवाइड किए हैं. तो फर्स्ट एरिया मैंने लिया है एरिया वन रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ. तो लेंथ इंटू विड्थ 25 by 30, तो 750 सेंटीमीटर स्क्वायर. ए टू हमने ट्राइंगल का एरिया कंसिडर किया है, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट. तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास 25 था, हाइट हमने ली है 20, तो यहाँ से 250 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. ए थ्री हमारे सेमी सर्कल का एरिया, हम जानते हैं सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2. तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 से आर की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ये 15 सेंटीमीटर. तो 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय 2, यहाँ से ए थ्री भी आ गया हमारे पास. अब हमें निकालनी है एक्स बार और वाई बार. तो एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए इन पर्टिकुलर ये जो तीन तीन सेक्शन है इनकी हमको एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री कैलकुलेट करनी है. तो एक्स वन जो है हमारे रेक्टेंगल की सेंट्रोइड है. तो हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल की सेंट्रोइड जो है अगर एक्स डायरेक्शन में ले या वाई डायरेक्शन में ले, तो यहाँ से अगर वाई डायरेक्शन में लेते हैं तो एच बाय टू पर होती है और अगर एक्स डायरेक्शन में लेते हैं तो बी बाय टू पर होती है. तो इस तरीके से हमने एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं इसलिए बी बाय टू, तो बी कितनी है 25 by 2, 25 by 2 पर ले लिया हमने. वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं वाई वन, तो देखिए 30 by 2 इट मीन्स 15 सेंटीमीटर हो गई हमारी.
इसी तरह x2 जो है वो हमारे ट्राइंगल की सेंट्रॉइड है इन x डायरेक्शन। तो ट्राइंगल की सेंट्रॉइड हम जानते हैं कहाँ लाई करती है, जो ट्राइंगल है उसकी सेंट्रॉइड अगर आप 90 डिग्री वाले से मेजर कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल से, तो इसकी सेंट्रॉइड जो है वो b/3 पर लाई करती है। और इसी तरह अगर हाइट वाइज लें तो h/3 पर लाई करती है। तो अगर यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा ओरिजिन पॉइंट कौन सा है, ये जहाँ पर ये x एक्सिस और y एक्सिस जो हमने बनाई है इनका मीटिंग पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट से हमको सीजी या सेंट्रॉइड कैलकुलेट करनी है। और ये हम कहाँ से लेते हैं, एक्सट्रीम बॉटम x एक्सिस और एक्सट्रीम लेफ्ट से हम क्या लेते हैं y एक्सिस। तो ये ओरिजिन पॉइंट मिल गया हमको, इसके अबाउट लेना है आपको। तो यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है वो इसी एक्सिस पर बन रहा है, तो हम यहाँ से मेजर करेंगे 90 वाले एंगल से ही। तो 90 से कितनी डिस्टेंस पर हो रही है इसकी सेंड्रॉइड, b/3 पर। तो b/3 की वैल्यू क्या होगी, 25/3, तो 8.33 एक्स डायरेक्शन में आ गई, 8.33। इसी तरह वाई डायरेक्शन में देखें तो h/3 मतलब 20/3, लेकिन हमको कहाँ से मेजर करनी है, एक्सट्रीम बॉटम से, है ना। तो एक्सट्रीम बॉटम क्या है, इस ये वाली लाइन है ना, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है 30, और 30 के बाद h/3, तो 30+20/3। यहाँ से हमने y2 कैलकुलेट कर ली, y2 भी आ गई, x2 भी आ गई। इसी तरह हम x3 और y3 कैलकुलेट करेंगे। तो x3 क्या है, सेमी सर्कल की सेंट्रॉइड। तो सेमी सर्कल की सेंट्रॉइड हम जानते हैं किस पर होती है, यहाँ से 4r/3π, 4r/3π पर। तो x3 हमारी हो गई 4r/3π। तो यहाँ कहीं लाई करेगी ये इस सेंटर पॉइंट से, तो 4r/3π की वैल्यू 6.3 से बनाई। y3 डायरेक्शन में यहाँ से मेजर करना है, तो सेंटर कहाँ है इसका, रेडियस पर, तो रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो y3 15 सेंटीमीटर ही आ गई। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको x बार मिल जाएगी, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको y बार मिल जाएगी। तो x बार और y बार की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 14.238 x बार की वैल्यू और 23.378 ये हमारी वैल्यू आ रही है y बार की। तो हमको एक तरीके से क्या मिल गया है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, g के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं कि g की वैल्यू क्या होगी,